सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्रामर्स वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। मायसेल्फ सर्विस कौशल, नाउ वाचिंग आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें देखेंगे हाउ टू एक्सेस वेबकैम। ठीक है, तो इसके लिए वेबकैम को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ फीचर दिए गए, तो मैं यहाँ से कोड करूंगा, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला काम करेंगे स्क्रिप्ट एक्सेस करते हैं, और स्क्रिप्ट के लिए हम लोग जाएंगे, इसमें कुछ APIs दी गई हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो API दी गई है वो कौन सी है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमें पता है नेविगेटर नाम की एक API होती है। नेविगेटर क्या होता है, नेविगेटर हमारा जो है जावास्क्रिप्ट में डिनोट करता है ब्राउजर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो टैग एक लगा लेते हैं जहाँ पर हम अपना वेबकैम से वीडियो एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो वेबकैम एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर वीडियो टैग लगाया, उसका एक नाम रख दिया माई वीडियो। ठीक है, माई वीडियो। अब मैंने क्या किया, वीडियो को बंद कर दिया, यहाँ पे क्लोज किया, ये टैग लगा दिया। चलिए अब सबसे पहला काम, हमें जब वीडियो को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और उस फंक्शन को एक्सेस कैसे करेंगे, तो मैंने कहा शो कैमरा नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक, इसको एक्सेस करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बनाऊँगा बटन, जैसे कि इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर मैं कॉल करूँगा शो कैमरा। फंक्शन मैंने बनाया अभी, सो कैमरा नाम का फंक्शन मैं कॉल करूंगा, वैल्यू मैंने दे दिया ओपन वेब कैम। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारा बन गया, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हमें ये देखना है कि क्या नेविगेटर API जो है वेब कैम को एक्सेस करने परमिशन हमें दे रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक API है जिसका नाम है मीडिया डिवाइसेस। ठीक है, तो मीडिया डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं, वेर वीडियो लिंक क्रिएट किया यहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से हमने क्या कर लिया, ID से एक्सेस किया किसको, वीडियो को। तो वीडियो का नाम है माई वीडियो, मैंने उसकी ID को एक्सेस कर लिया। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंसोल यहाँ से प्रिंट कराऊंगा, लेकिन प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये काम कर रहा है। तो कौन काम करना है, सबसे पहले कंसोल पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने पास किया नेविगेटर, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं नेविगेटर मतलब क्या होता है, नेविगेटर मतलब ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए नेविगेटर। जैसे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट का मतलब बॉडी सेक्शन, वैसे ही नेविगेटर मतलब पूरे ब्राउजर की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कहा कि ये एक है डिवाइस, उसका नाम है मीडिया डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं प्रिंट करने पर क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा आउटपुट, हम लोग देखते हैं यहाँ पे इतने से क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो ये मैंने रिफ्रेश किया और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वेबकैम को जब एक्सेस किया तो ध्यान से देखिए ये आपके कंसोल पर सारी डिवाइसेस प्रिंट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब मीडिया एक्सेस है। ये मुझे चेक करना था तो मैंने चेक करने के लिए फंक्शन चलाया, लेकिन क्या इसकी परमिशन हमें है, मतलब एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें इसी डिवाइस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ अगर मीडिया सपोर्ट है और साथ ही साथ यूजर ने मुझे परमिशन भी दी है, कैसे परमिशन दी है, डॉट गेट यूजर मीडिया, यूजर मीडिया नाम का ये प्रॉपर्टी है जिससे थ्रू हम ये पता करेंगे अगर परमिशन है तो ये प्रिंट करो, और इल्स क्या लगा देना है, कंसोल में परमिशन दे देना है कि नो, ठीक है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लिवस लगा करके यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल यानी नो कर दिया, ठीक, नॉट अलाउड। ठीक, चलो ये मैंने एक परमिशन दे दी। अब आते हैं नेविगेटर में, और यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ सिंपल सा कि क्या यूजर ने परमिशन हमें दिया है, तो मैंने कर दिया यस। ठीक, अब हम फिर से देखते हैं प्रोग्राम को, मैंने रन कराया, क्लिक किया, ध्यान से देखिए आंसर क्या आ गया, यस। इसका मतलब है कि यूजर सपोर्ट हमें मिल रहा है, यूजर ने अलाउ कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैमरा एक्सेस करना ये प्राइवेसी कंट्रोल के भी तहत आता है, कि मतलब यूजर क्या अलाउ करना चाहता है परमिशन। तो कैमरा को एक्सेस करने से पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट तो करना जरूरी है, डू यू वॉन्ट टू अलाउ। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूजर ने अलाउ किया कि नहीं किया, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेविगेटर डिवाइसेस को अलाउ करना पड़ेगा, और उसमें से क्या अलाउ करना पड़ेगा, वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, और हमने क्या कर दिया, इस कंसोल को भी मैं यहीं रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और हमने क्या किया, इसको चेक किया, अगर मीडिया है तो मीडिया के अंदर हमने पास किया कि इसका जो वीडियो है एलिमेंट वो अलाउ कर दो,
एलिमेंट अलाउ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर कहेंगे वीडियो ट्रू। अगर वीडियो ट्रू है इसका मतलब देखिएगा ध्यान से, जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो क्या होगा देखना, ये हमसे परमिशन मांगेगा ओपन करने के लिए। तो देखो यहां पर ये जो ऑप्शन आया, फाइल वांट टू यूज योर कैमरा अलाउ ब्लॉक, अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो देखिए एक परमिशन एरर आ रही है, परमिशन डिनाइड की एरर आ रही है। अगर मैंने दोबारा रन कराया और इस बार उसने फिर से पूछा डू यू वांट टू अलाउ, मैंने कहा यस, अलाउ किया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा काम हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कैमरा एक्सेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वीडियो क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखिए कैमरे को आपने देखा भी होगा एक्सेस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब नेविगेटर हमारा एक्सेस हो गया तो सबसे पहले ये हमें अलाउ करने पर, यानी अगर आपने अलाउ किया तो क्या करना है, तो मैंने कहा देन, अगर ये अलाउ करता है तो याद रखना कि ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैंने कहा देन उस केस में एक फंक्शन में बनाऊंगा, जो डेटा आ रहा है, जो डेटा मतलब जो यूजर का डेटा आ रहा है उसको मैंने स्ट्रीम किया, और स्ट्रीम करने के बाद मैंने कहा कि उसको डिस्प्ले करा दो। कहाँ पर डिस्प्ले करा दो, कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराना है जो वीडियो टैग दिया गया उस पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से मैंने बंद किया और मैंने कहा वीडियो का नाम क्या है, वीडियो का नाम है वीडियो, और मैंने क्या किया वीडियो को यहाँ पे लिखा डॉट src ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट src से अप्लाई नहीं होगा, और यहाँ पर हम पास करेंगे जो डेटा हमें मिला है, कहाँ से, इस फंक्शन के द्वारा, यानी जब यूजर ने हमें अलाउ किया देन जो डेटा स्ट्रीम का मिला है मुझे उसको वीडियो पर सेट करना है। कौन से वीडियो पर, इस वीडियो पर सेट करना है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, प्रॉब्लम ये होने वाली है, अभी मैंने इसको बंद कर दिया, ध्यान से देखते हैं, अलाउ करते हैं, ये देखिए अभी आप देखोगे अलाउ करने पे देखो कैमरा विजिबल होगा, यहाँ पे कैमरा तो विजिबल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कैमरा विजिबल हो रहा है, ये देखिए, बट शो नहीं हो रहा है। शो क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये जो वीडियो टैग है, वीडियो टैग में एक प्रॉपर्टी होता है उसका नाम है ऑटो प्ले, ऑटो प्ले प्रॉपर्टी हमने एक्सेस नहीं करी थी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ऑटो प्ले एक्सेस करूंगा, अब आप देख पाओगे कि क्या होगा, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेस हो जाएगी, यानी वीडियो हमें शो होने लगेगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे ये हमने अलाउ किया, क्लिक किया, अलाउ किया, ध्यान से देखिए वीडियो अभी शो होने लगेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि वीडियो जो है यहां पर अवेलेबल हो गया, ठीक है, इसका मतलब आपने देखा कैमरा एक्सेस हो गया, ठीक। अब मान लीजिए अगर ये तो तब था जब यूजर ने क्लिक किया ओके, अगर उसने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर उसको एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, यानी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन हैंडल करने लगे जावास्क्रिप्ट में क्या है, डॉट कैच, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, कैच प्रॉपर्टी अप्लाई करी, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया कि अगर जो एरर आ रही है उसको क्या करो, एरर को प्रिंट कर दो, कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो कंसोल जो ये एरर था इस एरर को मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया, और मैंने कहा अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो मैंने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैसेज दिया यूजर को, एंड इसके बाद मैंने एरर को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर यूजर ने, अभी तक तो कुछ नहीं था, यूजर ने क्या किया, अलाउ किया, मैंने इसको ब्लॉक कर लिया, ब्लॉक किया, तो मैसेज देख पा रहे होंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये एरर आ रही है परमिशन डिनाइड। बट अगर मैं एक्सेस करने के लिए सीधे अलाउ करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये अलाउ कर देगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ध्यान से सिंपल सी कहानी है, चलिए इसको हम रिकैप करते हैं एक बार। यहाँ पे हमने एक वीडियो टैग लगाया, जो कैमरा मुझे एक्सेस करेगा उसको मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना था, मैंने बताया उसके लिए हमारे पास एक मीडिया डिवाइसेस करके एपीआई है जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं, और उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है गेट यूजर मीडिया। इस गेट यूजर मीडिया प्रॉपर्टी के द्वारा हम ये पता करते हैं कि यूजर ने हमें परमिशन अलाउ की है या नहीं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि वीडियो क्या कर दो, ट्रू कर दो, इसका मतलब वीडियो जो है अलाउ करना है। अगर आप ऑडियो भी अलाउ करना चाहते हो तो कॉमा लगा के ऑडियो, और यहाँ पे क्या लिखना,
इसको भी ट्रू कर देना। इसका मतलब वीडियो के साथ साथ जो आवाज होगी यूजर की वो भी कैप्चर करेगा, ठीक है। बट अगर आपको केवल वीडियो चाहिए तो सिंपल सा वीडियो इक्वल टू ट्रू करना है, कोलन लगा के, और इसको पास कर देना। सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस क्या होता है, एक्चुअली में ये डिनोट करता है कि या तो ओके होगा या तो कैंसिल होगा, यानी आप अलाउ करोगे या तो नहीं अलाउ करोगे। अगर आपने अलाउ किया देन क्या करना है, जो डेटा इस वीडियो से एक्सेस हुआ, रीड हुआ, जो डेटा वीडियो से रीड हुआ उसको वीडियो नाम के टैग पर हमें शो करा देना है स्ट्रीम के द्वारा, और वो डेटा किस में आ रहा है, स्ट्रीम में। तो यहाँ पर आप स्ट्रीम को पास कर देना। अदरवाइज अगर उसने ब्लॉक किया तो कौन सा चलेगा, एरर पार्ट, जिसमें क्या मिलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पर एरर को प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।